हे गाइस, वेलकम बैक टू पूनम पंत व्लॉग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के व्लॉग की शुरुआत में कर रही हूँ 8:05 से। तो गाइस, आज हो रही है हल्की हल्की बारिश सुबह सुबह, तो बढ़िया मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। हल्की हल्की बारिश गिर रही है गाइस। थोड़ी देर की बारिश आई और अभी तो बंद हो गई है, लेकिन बादल है ऊपर आसमान में। देखो बारिश और आती है या नहीं आती है गाइस। मेरी स्ट्रॉबेरी इतनी बड़ी हो गई है, देखो पकने को आ गई है अब। ये वाली जल्दी पक जाएगी। इतनी जल्दी क्यों आए और चप्पल लेके अंदर ही पोछा लगा रखे लेट के। चप्पल यहीं खोलो, वो करो पहले, मतलब साफ करके आओ। चप्पलों को खोलने की जरूरत नहीं है, ठंडा हो रहा है फर्श, लेकिन साफ करके आओ चप्पल। बिल्कुल इतनी जल्दी क्यों आ गई, कहा आज क्यों है? तो और दिनों तुम 1:30 आते हो और आज आधा घंटा पहले आ गए, खाना नहीं बना है अभी। आज मेरा मन नहीं लग रहा है, मौसम भी खराब हो रहा है। याओ देखो अभी ये डालूंगी जो मेरा सर्वाइवल के लायक दिखा। मेरे कैमरा खोलते ही गाइस ये ना अपनी हरकतें करना बंद कर देते हैं, नहीं तो अगर मैं इनकी हरकतें दिखाऊं ना तो मेरे तो 100 मिलियन व्यूज आ जाए। तो खाते हैं खाना। हमने बनाया है पालक का कापा और भात। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं कहाँ, ब्लॉक तक। आपको पता है कहाँ है? हम जा रहे हैं ब्लॉक। हमारे लोन में ना कुछ कुछ जगह पे खाली है, मतलब कुछ कोई कोई जगह, तो उन जगह को भरते हैं। तो लेने जाते हैं फूल फ्लावर। वाह यार, हेलमेट पकड़ो यार और मेरा फ़ोन भी पकड़ो। ये पिटोनिया है, कितना मस्त खिल रखा है, अच्छा लग रहा है ना पिटोनिया। ये भी अच्छा लग रहा है, डेंटस तो है। जिरेनियम लेना है यार, पिटोनिया पिटोनिया के ले जाते हैं। आजकल पिटोनिया होने लग गया है। अब गुलाब लेना है, बस इतना ही है क्या फ्लावर है? लिप्टिस के पेड़ के बारे में पूछो। मैं पूछता हूँ ऐसा, जो छोटी पौधा आती है ना वो तो मिलेगी आपको 15 रुपये बाकी जो बड़ी होती है तो 20 से 22। कितने दिन में आ जाएगा? जाने वाले हैं 4 दिन में आ जाएगा। तो मेरे लिप्टिस के ना कौन सा? ये लाल पत्ते वाला। ये वाला ले लो आंटी, बबीता भाभी के यहाँ भी है ये। अब उनके वहाँ तो नहीं खिल रहा है उतना खास। इस यहाँ ना कुछ ज़्यादा फूल तो नहीं मिले मुझे। इससे पहले मैं जहाँ गई थी वहाँ बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर थे, बहुत प्यारे प्यारे थे और अच्छे रेट में। ये महंगा भी दे रहे हैं काफ़ी। तो गाइस हम ना 2 ही लेके आए हैं, कुछ खास उतना पसंद नहीं आया हमको। हाँ क्या, हाँ मैंने सुबह ही दिखाया। कितनी बड़ी स्ट्रॉबेरी है ना ये, काफ़ी बड़ी है ना? बहुत बड़ी होगी। नहीं इतनी बड़ी होगी अभी, अब ये पकने को आएगी। इससे बड़ी होती है, इसकी छोटी छोटी। हाँ बड़ी भी होती है, लेकिन मैं तो सोची थी ये छोटी होंगी, लेकिन काफ़ी बड़ी है। नीचे वाली बहुत बड़ी है यार। मीठी नहीं होगी, पड़ैनी तो होती है स्ट्रॉबेरी। इसे एक बुक भी लेके आई हूँ पढ़ने के लिए। गाइस आज तो मौसम बड़ा अजीब ही जैसा हो रहा है, देखो ऊपर ऊपर वहाँ वहाँ बिल्कुल काला काला हो रहा है, और हमारे इधर इधर को धूप जैसी भी आ रही है हल्की हल्की। पर मैंने ना यूट्यूब में देखा था कि आज नैनीताल में भी हल्की हल्की बर्फ़ गिरी थी, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत गिरी थी। इतनी थोड़ा बहुत गिरने से क्या होता है, ज़्यादा ज़्यादा गिरती तो मज़ा आता है। मैं ना अपनी शादी के टाइम से वेट कर रही हूँ बर्फ़ गिरने का नैनीताल में। 2-3 बार वैसे ही चली गई हूँ मैं नैनीताल, बट बर्फ़ के टाइम बर्फ़ ही नहीं गिर रही है, पता नहीं कब गिरेगी बर्फ़। गाइस आज ना मैं 3:30 बजे से अपने यूट्यूब में लगी हुई हूँ। मैंने कम से कम 4 या 5 बार वीडियो अपलोड कर दी, उसके बावजूद भी अपलोड नहीं हो रही थी। यूट्यूब स्टूडियो में भी नहीं दिखाई दे रहा था, 1 घंटे के बाद वो दिखाई दिया। वीडियो पब्लिक करी, पब्लिक होने के बाद भी मम्मी उनको फ़ोन किया, इनको फ़ोन किया कि आपको वीडियो दिख रही है मेरी या नहीं दिख रही है। गाइस मैं इतना परेशान हो गई, किसी को भी मेरी वीडियो नहीं दिख रही थी पब्लिक होने के बाद भी। फिर मैंने यूट्यूब में सर्च किया, तो यूट्यूब में सर्च करके मैंने देखा किसी का चैनल, मतलब उसमें वीडियो बनाई हुई थी कि ऐसा क्यों होता है करके। तो फिर उन्होंने बताया कि यूट्यूब में बग आ जाता है कभी कभी, तो इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं होती या दिखाई अपलोड होने के बाद वो तुरंत गायब हो जाती है।
फिर उसके बाद वो उन्होंने बोला कि अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करो या फिर अपने यूट्यूब को अपडेट करो। जब अपडेट आता है तब ये यूट्यूब में बग करके आ जाता है। मैंने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया और यूट्यूब अपडेट भी कर दिया, उसके बावजूद भी यही दिक्कत आ रही है। मैं बहुत परेशान हूँ, कहीं पता चल रहा मेरा यूट्यूब चैनल बंद हो रहा है। भगवान ऐसा ना हो, प्लीज़ ये वाली वीडियो अपलोड हो जाए मेरी। गाइस वीडियो अपलोड करी है मैंने 6:30 बजे के बाद, वो भी ना किसी को दिखाई दे रही, किसी को नहीं दिखाई दे रही है। इनको फ़ोन किया, ये कह रहा है दिखाई दे रही है। मम्मी को किया फ़ोन, मम्मी कह रही मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब कुछ तो दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। भगवान मेरे यूट्यूब में कोई दिक्कत ना हो रही हो, कल तक ठीक हो जाए। तो गाइस फाइनली मेरा वीडियो अपलोड हो गया है और सबको दिखाई भी दे रहा है, थैंक गॉड। यूट्यूब से ही कोई दिक्कत थी, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे लगा मेरा चैनल आज हो गया बैन, अब मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी, इतनी करी मेहनत सब धरी की धरी रह गई मेरी, थैंक गॉड। और गाइज मुझे परेशान देख ये खाना बनाने भी आ गए, शिवला। और हम बना रहे हैं आज मशरूम, क्योंकि इतनी सी मशरूम बच गई थी, तो हम दो ही जने हैं, दो जनों के लिए तो आराम से। मत डालो यार प्लीज, प्लीज यार तुम खाने का सत्यानाश मार दोगे, प्लीज भूख लग रही मेरे को बहुत तेज, प्लीज नहीं। अच्छा फ्राई करके ना, चलो ट्राई करते हैं कैसी लगेगी। तो गाइस हम खाते हैं खाना और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।